केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। हार्मनी होटल में कैसीनो पकड़े जाने और मुख्य हिस्सेदार भाजपा नेता नवीन अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पार्टी पदाधिकारियों ने इस प्रकरण से फिलहाल अपना मुंह मोड़ लिया है। इस बेरुखी के पीछे 22B संचालक पंकज जौली का थाने में मीडिया को दिया गया वह बयान बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि माना कि हमसे गड़बड़ी हुई है, लेकिन बुरे वक्त में भाजपा के पदाधिकारी इस वक्त कहाँ हैं, उन्हें यहाँ होना चाहिए। सब पुराने कार्यकर्ता हैं, आज पार्टी कहाँ मौजूद है? दुख के टाइम में पार्टी खड़ी हुई नहीं है, सुख के टाइम में सब खड़े होते हैं। आज हमारा दुख का मौका है, हमारे नेता कहाँ जा रहे हैं आज? रोहित जी, बिल्कुल ये बात करी जाए, आज दुख का समय हमारा, ठीक है हमसे गलती हो गई, तो मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप हमारे साथ छोड़ देंगे। सुख के समय हम पहुँचे, आपके सब दरिया बिछाएं, सारे पर्चे कटवाएं, आज हमारा वक्त आया तो आज खड़ा कोई नहीं हो रहा। ये मन का दुख है, कोई बात नहीं, बाकी तो जो विधिक कार्रवाई होगी होगी, तो चलान कटेंगे कटेंगे, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। नियम कानून सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है ना, मैं हूँ ना आप हैं, तो जो भी अपने साथी का साथ देना चाहिए, बुरे वक्त में जोड़ देना चाहिए, सही वक्त में दे ना दे। कहीं ना कहीं पंकज जौली ने प्रतिस्पर्धा में इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि हारमनी में गलत कार्य हो रहा था। अब इसकी काट निकालते हुए नवीन अरोड़ा ने पंजाबी संगठन को आगे कर दिया है। संगठन भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात कर नवीन अरोड़ा और बाकी हिस्सेदारों पर छाए संकट के बादल छटवाने की वकालत करने में लगे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से संगठन पदाधिकारियों ने मुलाकात की, जबकि केंट विधायक अमित अग्रवाल से सीधे नवीन अरोड़ा ने ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर से भी संपर्क किया जा रहा है। गिरफ्तार नवीन अरोड़ा समेत 8 अभियुक्तों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि अब 4 नवंबर तक है, लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा 4 नवंबर को कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दिए जाने से यह अंतरिम जमानत की अवधि स्वतः ही बढ़ गई है। इस बीच पुलिस ने होटल हारमनी के मुख्य मैनेजर आदिल खान पर गिरफ्तारी का शिकंजा कसने की कोशिश की है। बीती रात एक अन्य मैनेजर गुरवंदर सिंह को 8 घंटे नौचंदे थाने में बैठाने के बाद इस शर्त पर जाने दिया कि वह आदिल खान की गिरफ्तारी में सहयोग करेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट। इस सारे प्रकरण में पुलिस की तरफ से यह भी सामने आ रहा है कि इस कांड के मुख्य आरोपी नवीन अरोड़ा, उसके साथी राजेश मिगलानी, राकेश जुनेजा, अशोक तनेजा और अमित चांदना आदि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। DVR भी पुलिस को बाहरी मदद से खुलवाना पड़ा। इसमें वे तमाम चेहरे सामने आए, उन अमीरजादों के और शौकीन लोगों के जो 21 अक्टूबर की रात होटल हारमनी में एंजॉय कर रहे थे। छापे की सूचना मिलते ही वहां से गायब हुए राजेश मिगलानी, राकेश जुनेजा, अशोक तनेजा, अमित चांदना और आदिल खान के साथ ही वह करीब 25 करोड़ रुपए भी गायब हो गया, जो खेलने वालों से जमा करवाया गया था। मैनेजर गुरविंदर व अन्य से की गई पूछताछ में पुलिस का असर यह हुआ है कि अब होटल का बाकी स्टाफ भी परेशानी खुद फील कर रहा है और सोच रहा है कि अगर यहां से पलायन कर जाए। इन लोगों ने कहीं ना कहीं और बाहर
नौकरी तलाशना तेज कर दिया है। इस बीच भाजपा व होटल मालिकों में ही इस बात को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है कि 21 अक्टूबर को दीपावली के मौके पर होटल हारमनी में ही छापा क्यों मारा गया, जबकि शहर के 3-4 नामचीन होटल जिसमें लाल कुर्ती एक्सचेंज के सामने स्थित होटल कम रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट है, वहां अभी भी इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। यहां बार का लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी रोजाना शराब पार्टी हो रही है। इसके पीछे कोई इस भाजपा नेता का नाम बता रहा है तो कोई उस भाजपा नेता का, कोई पुराने सांसद से नजदीकी व कथित पार्टनरशिप की चर्चा को आधार बना रहा है तो कोई उनके घोर विरोधी एक नेता को इस छापे से जोड़कर देख रहा है। यह बात भी चर्चा में है, जिस वजह से यह ताना बाना बुना गया, इस खेल में कोई ऊपर वाला ही इन्वॉल्व है, यानी स्थानीय नेता नहीं है। उधर 4 नवंबर को अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार की घोषणा से भले ही नवीन अरोड़ा व बाकी 7 लोगों को फौरी रूप से राहत मिल गई हो, लेकिन जिस तरह से पुलिस बराबर आरोपियों पर जांच में सहयोग न करने की बात कर रही है, यदि इस आशय की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है और सरकारी अधिवक्ता द्वारा पुरजोर तरीके से पैरवी की जाती है तो इसका असर सीधे सीधे अंतरिम जमानत पर भी पड़ सकता है। हालांकि चर्चा यह भी है कि सब मैनेज कर लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर सभी की नजर लगी हुई है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।